खबर पंजाब से। पंजाब में रेत माफिया, जिसे सफेद सोने का काला कारोबार कहा जाता है, जो पिछले लंबे समय से चलाया जा रहा था, जिसे लेकर राजनीति में कई बार बहस हुई। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस गोरख धंधे पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। फाजिलका और जलालाबाद के अलग अलग 13 गांव में छापामारी की गई, जिसमें एक जेसीबी मशीन, 3 ट्रैक्टर ट्रालियां और एक ट्राली और 2 रेड़ो सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 3 मामले जलालाबाद और 2 मामले फाजिलका थाना सदर में दर्ज किए गए। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी इन्वेस्टिगेशन फाजिलका ने दी। डीसी फाजिलका दे डायरेक्शन से 4 टीमें गठित की गई हैं, जिन्हों हेड करते सी एडीसी साहब, एसडीएम साहब, इन्हों दे नाल जिहड़े टीम मैंबर तहसीलदार, नायब तहसीलदार ते माइनिंग ऑफिसर हैं। इन्हों 4 टीमों ने 13 पिंडों दे जिहड़ा सदर फाजिलका, सदर जलालाबाद एरिए रेड की है। टोटल जिहड़े 5 मुकदमे दर्ज होए ने, सदर फाजिलका दे एरिए 2 मुकदमे दर्ज होए ने, सदर जलालाबाद दे एरिए दे विच जिहड़े 3 मुकदमे दर्ज होए ने। इस दे विच कुल जिहड़े 7 व्हीकल कब्जे च लिते गए हैं, जिन्हां च 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 1 कली ट्रॉली है, जेसीबी मशीन है ते 2 खच्चर रेड़े ने। 7 मुलजम इस वेले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी जिहड़े मुकदमे है अननोन बंदे दे खिलाफ दर्ज होए हुए ने। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।